नमस्कार दोस्तों, आई होप आप अच्छे होंगे। एंड लास्ट एपिसोड में हमने देखा था डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और पिच फैक्टर, ठीक है, इवन बाइंडिंग फैक्टर हमने मिला के उसको बोला था। एक क्वेश्चन ये उठता है कि हमने देखा कि अगर मैं वाइंडिंग को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ तो उससे हमारा जो नेट ईएमएफ था वो क्या हो गया बताओ? कम हो गया, वो रिड्यूस हो गया। बिकॉज जरा देखिए, जो केडब्ल्यू आएगा वो भी लेस देन वन आएगा और जो केपी आएगा वो भी लेस देन वन आएगा। ये होता है कोस एप्सिलन बाय टू और ये होता है साइन ऑफ क्यू गामा बाय टू डिवाइड बाई क्यू साइन गामा बाय टू और ये भी ऑलवेज लेस आएगा। क्यों लेस आएगा ये? बिकॉज नीचे होता है एल्जेब्रिक सम और ऊपर क्या होता है वेक्टर सम। अब वेक्टर सम एल्जेब्रिक सम से बड़ा तो कभी हो नहीं सकता, तो इसका ये भी लेस देन वन बनेगा, ये भी लेस देन वन बनेगा। तो इसका अगर मैं प्रोडक्ट करूं के डब्ल्यू तो वो भी क्या आएगा? केपी इंटू के डी, वो भी लेस देन वन आएगा। तो उससे जो ई एम एफ मेरा इंड्यूस होगा विच इज एन फेस फाइ पर पोल, एन फेज फाइ पर पोल इंटू क्या था बताओ? ओमेगा के डब्ल्यू। ये ई एम एफ बना था ना, अगर आपको याद हो ये ई एम एफ बना था। ये तो कम हो जाएगा, ये लेस देन वन आएगा, तो इससे तो ओवरऑल मेरा ई एम एफ रिड्यूस हो जाएगा। और अगर मेरा ई एम एफ रिड्यूस हो गया तो क्या होगा फिर? तो फायदा क्या हुआ फिर? फिर तो इसका कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। जरा देखिए इसका क्या फायदा हुआ, इसके क्या एडवांटेजेस है। तो आप लिखिए डिसएडवांटेज, तो आपको पता ही चल गया क्या डिसएडवांटेज बताओ, ई एम एफ रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब इसके एडवांटेज देखते हैं, इससे क्या एडवांटेज हमने निकाला। तो सबसे पहला एडवांटेज लिखिए एलिमिनेशन ऑफ हार्मोनिक्स, एलिमिनेशन ऑफ हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स का एलिमिनेशन हो सकता है इससे। कैसे? इससे हम हार्मोनिक को एलिमिनेट कर सकते हैं। आपने देखा था कि फ्लक्स डेंसिटी की जो वेव थी उसके अंदर हार्मोनिक्स थे। मैं भी लास्ट टू लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि हार्मोनिक से कैसे फ्लक्स डेंसिटी की वेव के अंदर अगर हार्मोनिक से मान लीजिए तो उसकी वजह से कैसे मेरे हार्मोनिक वोल्टेज मेरी बनी थी। अब मैं उनको एलिमिनेट कर सकता हूं। कैसे? मुझे एक बात आइए, खासकर डिस्ट्रीब्यूशन की बात बता रहा हूं मैं। डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या फायदे हैं, पिच की वजह से मतलब कोडिंग करने की वजह से अलग फायदे होंगे, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि अगर मेरी वाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूट है तो उसके क्या एडवांटेज है। सबसे पहला देखिए एलिमिनेशन ऑफ हार्मोनिक्स। कैसे भाई? के डी का फॉर्मूला बताएंगे क्या होगा? साइन ऑफ एन क्यू गामा बाई टू डिवाइड बाई क्यू साइन एन गामा बाई टू। यही है ना, यही था एनथ हार्मोनिक के लिए, ये था मेरा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। अब मुझे था ये, मान लीजिए मुझे कोई थर्ड हार्मोनिक एलिमिनेट करने सोचिए, मैं चाहता हूं थर्ड हार्मोनिक आए ही ना, जीरो बने, तो उसके लिए यहां पे थ्री पुट कर दो पहले, तो थ्री क्यू गामा बाई टू डिवाइड बाई क्यू साइन थ्री गामा बाई टू, ये क्या कर दो? जीरो। अब ये जीरो तभी होगा जब ये ऊपर वाला जीरो बन जाए। इसका मतलब थ्री क्यू गामा बाई टू क्या होना चाहिए? पाई, पाई बनना बन जाना चाहिए, सही बात है। तो आप बताओ क्या बनाइए, ये क्यू गामा क्या बनेगा? टू पाई बाई थ्री, इसका मतलब क्या होना चाहिए? 120। इसका मतलब क्यू गामा की वैल्यू आप 120 कर दो। क्यू गामा मतलब सिग्मा, फेस स्प्रेड। अब आप बोलोगे सर फेस स्प्रेड 120 कैसे हो सकता है, फेस स्प्रेड 120 कैसे हो सकता है, सोचिए ना। फेस स्प्रेड 120 कर दो, हैं जी, नहीं फेस स्प्रेड सिग्मा, थ्री फेज में क्या था? 60, ठीक है, और टू फेज में क्या था बताओ? 90, और सिंगल फेज में आपका 180, नहीं तो 120 कैसे करोगे? मे भी कई सारे तरीके वो आगे देखेगा, ठीक है, वो आगे देखेगा डिस्ट्रीब्यूशन में भी, फ्रैक्शनल भी आप पॉइंट हो सकता है, ठीक है। बट आप जरा देखिए, एक हार्मोनिक मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ इस तरीके से, मैं एक हार्मोनिक को एलिमिनेट कर सकता हूँ, समझ आया? कोई भी एक को कर सकते हो आप, सेवंथ को कर लो, चलो इसको थर्ड को नहीं करना, सेवंथ को कर लो। थर्ड हार्मोनिक तो वैसे भी एलिमिनेट हो जाएगा, आप स्टार या डेल्टा में कनेक्ट करके कर सकते हो। सोचिए अगर मैं अपने वाइंडिंग को, जो ऑल्टरनेटर की वाइंडिंग है, जो तीन वाइंडिंग आई थी हमारे पास, अगर मैं उनको डेल्टा में कनेक्ट कर दूं तो क्या होगा? तो फेज से भी थर्ड हार्मोनिक हट जाएगा और लाइन से भी हट जाएगा। फेज से क्यों हटेगा बाय द वे? क्योंकि एक सर्कुलर एक सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करेगा, और थर्ड हार्मोनिक की वजह से अगर मान लीजिए मैं वाइंडिंग को डेल्टा में कनेक्ट कर दूं, सोचिए तो क्या होगा? जो थर्ड हार्मोनिक वाली वोल्टेज थी वो तीनों की सेम फेज में थी, इसका जो फेज था थर्ड हार्मोनिक वाला वही इसका भी था, वही इसका भी था। अब उससे क्या होगा? एक सर्कुलेटिंग करंट आएगा, और सर्कुलेटिंग करंट की वजह से इसमें जो ड्रॉप होगा, इंपेडेंस ड्रॉप, वो किसके बराबर होगा?
इसके अंदर जो थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज पैदा हुई है उतना ही इसी के अंदर इंपीडेंस का ड्रॉप हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, ये मैंने आपको थ्री फेज में पढ़ाया था भाई, ठीक है ना, जो मैंने आपको थ्री फेज सर्किट्स पढ़ाए थे, तो उससे क्या फायदा होगा, फेज के अंदर और लाइन के अंदर तो कोई थर्ड हार्मोनिक नहीं आएगा डेल्टा कनेक्शन में। जबकि स्टार में क्या था बता जरा, स्टार में फेज में रहता है बट लाइन में नहीं होता थर्ड हार्मोनिक, बिकॉज लाइन में वी ए माइनस वी बी करोगे ना, तो ए माइनस बी करोगे तो थर्ड हार्मोनिक है ए और बी का, वो कट जाएगा बिकॉज सेम फेज में है, ठीक है ना। तो लाइन वोल्टेज में तो थर्ड हार्मोनिक वैसे भी नहीं आएगा, सही है, लेकिन स्टार में फेज में आएगा। इसका मतलब थर्ड हार्मोनिक को आप इस तरह यूजिंग कनेक्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं फिफ्थ हार्मोनिक को एलिमिनेट करूंगा फिर यहां से, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप एक हार्मोनिक को यूजिंग के डी आप एलिमिनेट कर सकते हो। सबसे पहला पॉइंट तो ये था, ठीक है। मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जरा देखिए कैसे हार्मोनिक एलिमिनेशन आप कैसे करते हैं। सुनिए, मैंने आपको बताया था कि भाई जो मेरी फ्लक्स डेंसिटी की वेवफॉर्म होती है वो कुछ इस तरह की होती है। अगर मैं मान लीजिए ये केस ले लूं, जरा देखेगा, अब मैं इसको ग्राफिकली समझा रहा हूं आपको कि कैसे मेरा डिस्ट्रीब्यूशन करने से हार्मोनिक एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है, देखेगा दोस्तों। ये मेरे पास क्या था, सोचिए, इस तरह का मेरे पास नॉर्थ एंड साउथ पोल था और ये मेरे पास कॉइल थी, अल्फा एम यहां पे जीरो था मेरा मैकेनिकल एंगल। तो अगर मैं बी को प्लॉट करूं विद अल्फा एम तो आपका कुछ इस तरह का बनेगा दोस्तों, एक बार देखे सही लिखा है क्या मैंने, ऐसे कुछ बनेगा, बोलिए भाई, बी की वैल्यू ऐसी बनेगी। अगर बी मेरा ऐसा बनेगा तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसके अंदर भी हार्मोनिक्स आएंगे और वो भी अप्रोक्सीमेटली ऐसा ही बनेगा, ठीक है। इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो भी अप्रोक्सीमेटली ऐसा साइन वेव बन जाएगा वो, बट मतलब अप्रोक्सीमेटली ऐसा ही बनेगा, सही है, इस कॉइल के अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। पर सोचिए अगर मैं कॉइल को डिस्ट्रीब्यूट कर देता, मैं कॉइल को डिस्ट्रीब्यूट कर देता, उससे जरा देखते हैं क्या होगा। उससे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो मान लीजिए इस तरह का बन रहा है, एक मिनट के लिए मान लेता हूं, बट इसमें ऐसा बन रहा है, इसमें कैसा बनेगा बताओ, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। और अगर शिफ्ट करूं, रिजल्टेंट निकालू, अगर मैं मान लीजिए इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं तो क्या होगा, यहां पर डबल हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक क्या हो जाएगा बताओ, रिजल्टेंट डबल हो जाएगा, नहीं, समवेयर यहां पे जीरो आएगा क्योंकि जितना नेगेटिव है उतना ये पॉजिटिव है, कुछ इस तरह का, नहीं थोड़ा ऊपर आएगा भाई, बोलिए ना, कुछ इस तरह का बनेगा दोस्तों, बोलिए, है ना। अच्छा एक और मैं कर देता इसको, एक और बोले ना, उससे क्या होता है जी, हाँ तो क्या हो जाता, जो जीरो पॉइंट है थोड़ा सा इधर आ जाता और ये हाइट क्या हो जाती, थोड़ी सी और बढ़ जाती और थोड़ा सा मे भी इस तरह का बन जाता, फिर ये स्टिल थोड़ा बहुत फ्लैट टॉप रहता, बट उससे क्या हो रहा, आप देख पा रहे हो कि जो वेवफॉर्म बन रही है कैसी बन रही है बताओ ना, साइन को अप्रोच कर रही है, समझ आया। तो अगर ज्योमेट्रिकली ग्राफिकली अगर आपको देखना है तो आप ये कह सकते हो कि अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं तो अलग अलग जो वोल्टेज पैदा होंगी वो थोड़ी सी शिफ्टेड वोल्टेज पैदा होंगी, उनका जो वेवफॉर्म बनेगी उनके अंदर हार्मोनिक्स है, इसके अंदर हार्मोनिक्स है, इसके अंदर भी हार्मोनिक्स है, इसके अंदर भी हार्मोनिक्स है, बट वो शिफ्टेड है वेव। तो जब आप उनको टोटल करोगे तो उससे क्या होगा, हार्मोनिक आपके क्या होते जाएंगे बताओ, कम होते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला तो ये पॉइंट था, ये पॉइंट था भाई, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा कि रिडक्शन ऑफ हार्मोनिक इन जनरेटेड ईएमएफ वेव, ठीक है भाई। सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूशन का क्या फायदा हुआ, हार्मोनिक का रिडक्शन होगा भाई, ठीक है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ आर्मेचर आयरन एंड कॉपर। अब ये क्या केस है,
फुल यूटिलाइजेशन ऑफ आर्मेचर आयरन एंड कॉपर। अच्छा एक और पॉइंट भी लिख लो इसी में साथ ही साथ, अगला पॉइंट बना के लिख लो बेशक, एडिंग रिजिडिटी एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द वाइंडिंग्स, एडिंग रिजिडिटी एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द वाइंडिंग, मैकेनिकल स्ट्रेंथ आपकी बढ़ेगी। अब ये समझते हैं भी कैसे, तो मैं चाहता हूँ सुरेंद्र जी एक बार इसको दिखाएं थोड़ा सा, मैं ऊपर ही रख लेता हूँ इसको। देखिए सोचिए, ये जो वाइंडिंग है ये वाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, ये वाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर मैं सारी की सारी वाइंडिंग एक जगह कर देता तो गुच्छा सा बन जाता एक जगह पे, और जब ये रोटेट करेगी तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा, है ना, और एक जगह पे क्या होता, अगर सारी सारी वाइंडिंग एक जगह होती तो क्या होता, वहाँ पे जो फोर्स लगता उसके ऊपर, क्योंकि मास बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, जो बाहर की तरफ जो फोर्स लगता वो क्या लगता फिर, वो वेरी लार्ज होता, और उससे क्या होता फिर, वो वाइंडिंग के ऊपर एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस पैदा हो जाता, वो बाहर की तरफ खींचती, समझ रहे हो। तो इस डिस्ट्रीब्यूट करने का क्या बेनिफिट मिला मुझे, इसके अंदर एक रिजिडिटी आ गई, मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ गई वाइंडिंग की, समझ रहे हो, और दूसरा पूरे आयरन का यूटिलाइजेशन हुआ, फुल यूटिलाइजेशन हो गया आयरन का, ठीक है, कोई हिस्सा खाली नहीं है, समझ रहे हो, आयरन का फुल यूटिलाइजेशन भी हुआ, क्लियर। अभी तो आप देखिए ये कुछ एडवांटेजेस थे इसके, मेन एडवांटेज क्या है जो हमारे काम की चीज़ है, एलिमिनेशन ऑफ हार्मोनिक्स, ठीक है, हार्मोनिक मेरे एलिमिनेट हो रहे हैं। अच्छा एक बात और बताइए, अगर आप डीसी जनरेटर है ना, डीसी जनरेटर में आप एलिमिनेट करने की कोशिश नहीं करोगे हार्मोनिक, क्यों, क्योंकि डीसी जनरेटर में आपको साइन वेव क्यों बनानी है, आपको तो अगर ऐसी वेव है फ्लक्स डेंसिटी की तो अच्छी बात है, क्यों भाई, इसका क्या फायदा होगा डीसी में, वोल्टेज जो होगा वो भी ऐसा ही होगा, तो रेक्टिफाई करोगे तो वो भी क्या होगा फिर, एवरेज वैल्यू क्या आएगी उस केस में, ज्यादा आएगी, डिस्ट्रीब्यूट क्यों करना है फालतू में, समझ रहे मेरा पॉइंट, आपको तो एवरेज वैल्यू ज्यादा चाहिए, तो इसका मतलब है कहीं पे फायदेमंद भी है ये, तो आप ये बोलोगे सर बुरी चीज है क्या, तो बुरा अच्छा तो कॉन्टेक्स्ट में होता है ना, नहीं वो तो आपको बताना पड़ेगा ना किस कॉन्टेक्स्ट में आप पूछ रहे हो, एसी में या डीसी में, ठीक है, तो एसी में तो बुरी बात है हार्मोनिक्स होना, बट डीसी में अगर ये फ्लक्स डेंसिटी आपकी फ्लैट टॉप है, ठीक है, तो अच्छी बात है, उससे एवरेज वैल्यू आपकी ईएमएफ की बढ़ेगी, समझ आ भाई, तो आप ये पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दूसरा सिमिलरली कोडिंग भी अच्छी चीज है, कोडिंग से भी आप हार्मोनिक एलिमिनेट कर सकते हो, तो आप लिखिए एडवांटेज ऑफ कोडिंग, कोडिंग करने के क्या एडवांटेज है, ठीक है, एडवांटेजेस कोडिंग के क्या एडवांटेज है, कोडिंग करने के क्या फायदे, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट देखिए, सोचिए अगर फुल पिच क्वाइल है यहां पे और एक यहां पे है, फुल पिच क्वाइल है तो जो वायर होगा वो कितना बाहर एक्सटर्नली लिपटा होगा, सोचिए अगर मैं ये वायर दिखाऊं आपको, सुरेंद्र जी थोड़ा सा ये जूम करके दिखा सके तो, सोचिए ये जो वायर है ऊपर से, ये जो एक्स्ट्रा साइड आ रखी है, ये वेस्ट नहीं है क्या, क्योंकि मोटर में तो फोर्स कहां पे लगेगा, इस साइड पे और एक इस साइड पे, तो ये जो वायर आ गया ऊपर से जो ओवरहैंग हो रहा है, ये तो वेस्ट है भाई, ये तो कनेक्टिविटी को पूरा कर रहा है, अदरवाइज इसका कोई यूज तो है नहीं। सिमिलरली इसके नीचे वाली साइड, ये वाली साइड, ये भी तो वेस्ट है, नहीं सोचिए फुल पिच होती है तो एक साइड यहां पे होने की बजाय फिर दूसरी किधर होती, बताओ जरा, दूसरी फिर यहां पे 180 पे होती इधर, तो कितना वो एक्स्ट्रा ओवरहैंग हो जाता, ज्यादा हो जाता, आप समझ रहे हो। अभी तो फिलहाल यहां से जाके सीधा यहां पे चला गया, नहीं समझे, इधर से निकल के इधर आ गया, तो ओवरहैंग बहुत कम है, ये एक्स्ट्रा जो फालतू का आ रहा है, बट अगर ये फुल पिच होता तो क्या होता, पूरा यहां से घूमता और यहां तक बिल्कुल उसके ऑपोजिट आता और फिर नीचे जाता, तो ये जो एक्स्ट्रा जो ओवरहैंग आया ना, ये क्या हो गया बताओ जरा, ये कम हो गया, कॉपर कम लगा ना, समझ रहे मेरा पॉइंट, लेकिन उसका नुकसान भी तो हुआ, क्या नुकसान हुआ, ईएमएफ कम हुआ, लेकिन फायदा ज्यादा हो रहा है, क्या, एक तो कॉपर की प्राइस कम लग रही है, दूसरा हार्मोनिक को भी एलिमिनेट कर सकते हो अगेन। आप बताइए केपीएन अगर मैं बात करूं, कोस एन एप्सिलॉन बाय टू, अगर मुझे थर्ड हार्मोनिक एलिमिनेट करने तो एन एप्सिलॉन बाय टू की वैल्यू पाई बाय टू कर दो, थर्ड हार्मोनिक एलिमिनेट करने ना, तो एप्सिलॉन बाय टू की वैल्यू क्या कर दो, 30 डिग्री, इसका एप्सिलॉन क्या कर दो, 60 डिग्री इलेक्ट्रिकल कर दो, मतलब इसको 60 डिग्री इलेक्ट्रिकल क्या कर दो, शॉर्ट पिस्ट कर दो, उससे क्या होंगे बताओ जरा, थर्ड हार्मोनिक आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, समझ आया, अगेन हार्मोनिक को एलिमिनेट कर सकते हो आप, ठीक है, आप देखिए भाई हार्मोनिक को आप एलिमिनेट कर सकते हो, ये अच्छा पॉइंट है, ठीक है, हार्मोनिक आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, नोट कर लीजिएगा, ठीक है भाई, हार्मोनिक आप इससे एलिमिनेट कर सकते हो। दूसरा मैंने क्या बताया बताओ जरा, दूसरा मैंने बताया कॉपर कम यूज होगा इससे, ठीक है, ओवरहैंग कम होगा, ठीक है,
आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए भाई, जो एक्स्ट्रा ओवरहैंग बनेगा वो आपका कम बनेगा, ठीक है, कॉपर का जो ओवरहैंग है वो कम आएगा। बोलिए भाई, कोई दिक्कत हो आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, तो मैंने आपको बताया कि क्यों हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्यों हम आपका शॉर्ट पीस्ट करते हैं, ठीक है ना, तो उसके हमें बेनिफिट मिलेंगे। अच्छा, कुछ लोग ये सोचते हैं, जरा आप दिमाग लगाइएगा, ये आपका होमवर्क है, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई एक हार्मोनिक तो केपी से एलिमिनेट कर दो और एक हार्मोनिक किससे एलिमिनेट कर दो, केडी से। भाई थर्ड हार्मोनिक तो इसने एलिमिनेट कर दिया, कोडिंग एंगल क्या रखो आप 60 डिग्री, तो से थर्ड हार्मोनिक एलिमिनेट हो जाएगा। एक हार्मोनिक कैसे एलिमिनेट कर दो, फिफ्थ हार्मोनिक कैसे एलिमिनेट कर दो, केडी से कर दो। भाई आप ये ले लो कि भाई केडी जो होगा क्या होगा, साइन ऑफ 5q γ/2 डिवाइड बाई क्यू साइन 5γ/2, ये जीरो कर दो, तो फिफ्थ हार्मोनिक है कि यहां से एलिमिनेट कर। क्या ऐसा कर सकते हो आप, सोचिएगा क्या ऐसे कर सकते हो कि एक केडी से एलिमिनेट कर दो और एक केपी से एलिमिनेट कर दो, क्या ये दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हैं क्या, जरा सोचिएगा, ठीक है, कि ऐसा कर सकते हो क्या, ऐसा कर सकते हैं तो मजे आ जाएं, एक उससे कर दो एक उससे कर दो, इवन थर्ड और फिफ्थ ही ज्यादा डोमिनेटिंग होते हैं, उनको एलिमिनेट कर दो, बाकी तो क्या है ना, तो क्या ऐसा कर सकते हैं क्या, जरा सोचिएगा, ठीक है। तो खैर, ये आपका होमवर्क है, आप जरा दिमाग लगाना, ठीक है ना, आगे पढ़ेंगे बाद में, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जब आप टाइप ऑफ कनेक्शन आप पढ़ोगे ना, वाइंडिंग के टाइप और कनेक्शन कैसे करते हैं, ठीक है, जो लास्ट चैप्टर में आप इसमें कराऊंगा मशीन में, उसमें आपको पता चलेगा। अभी पहले एक बार सारी मशीन पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद वाइंडिंग सिखाऊंगा मैं आपको कि वाइंडिंग कैसे करते हैं, कनेक्शन कैसे बनाते हैं, ठीक है ना, तो वो चीज़ बाद में देखेंगे। तब तक आप देखिएगा कि आप ऐसा कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जरा देखिए, मैं रब कर रहा हूँ भाई इसको, रब कर दूँ। तो मैंने आपको समझाया कि कैसे हमारा EMF इंड्यूस होता है, ठीक है, और किस तरह से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमारी वोल्टेज कम कैसे होती है, ठीक है ना, वो चीज़ हमने देखी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है, एक स्टेप फर्दर चलते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ भाई, उन क्वेश्चंस को जरा करते हैं भाई, तो आप लिखिए, एक दो क्वेश्चन थोड़े बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है भाई, उनको जरा देखते हैं, ठीक है, लिखिए भाई, लिखिएगा, ए 3-phase 6-pole 1000 RPM, 3-phase 6-pole 1000 RPM, सही है, 3-phase 6-pole 1000 RPM, ऑल्टरनेटर हैज एयर गैप डायामीटर ऑफ 28 cm, ऑल्टरनेटर है कोई, ऑल्टरनेटर है और डायामीटर कितना दे रखा है बताओ जरा, 28 cm, ठीक है, 28 सेंटीमीटर का डायामीटर दे रखा है, एंड कोर लेंथ ऑफ 23 cm, लेंथ दे रखी है 23 cm, डायामीटर बड़ा है लेंथ छोटी है, ठीक है भाई। अच्छा, ए टू लेयर का क्या मतलब होता है, टू लेयर नैरो स्प्रेड ब्रैकेट में लिख रहा है सिग्मा इक्वल टू 60, नैरो स्प्रेड का मतलब क्या होता है, नैरो स्प्रेड का मतलब क्या होगा, नैरो स्प्रेड आप समझाओ ना, मतलब नाम से जो स्प्रेड है वो कम है, ठीक है ना, टू लेयर का मतलब समझिए पहले, अगर टू लेयर दिखाऊं मैं आपको, टू लेयर का क्या मतलब है, तो अगेन सुरेंद्र जी थोड़ा सा इसको जूम कीजिएगा, और जूम करके यहाँ पे ये वाला हिस्सा मैं दिखाना चाह रहा हूँ, इस स्लॉट में अगर आप ध्यान से देखो, दो लेयर है वाइंडिंग की, एक इधर आ रखी है और एक यहीं से निकल के इधर आ रखी है, सेम इस पॉइंट से दो लेयर बनी हुई, एक इधर आ रखी है और एक इधर ला रखी है, इसका था एक स्लॉट में क्या कितनी लेयर है, दो लेयर है, एक स्लॉट में एक ही नहीं है, एक स्लॉट में जनरली एक नहीं एक होती है ना, अभी तक तो हम एक पढ़ते हुए आ रहे थे, बट यहाँ पे दो दो हैं, तो इसका मतलब कैसी वाइंडिंग है, ये टू लेयर वाइंडिंग है, ठीक है, बोर्ड पे आइए, तो टू लेयर नैरो स्प्रेड वाइंडिंग, ठीक है, सिग्मा दे रखा है 60 डिग्री, इज एम्प्लॉयड एंड द वाइंडिंग इज अकोमोडेटेड इन 4 स्लॉट पर पोल पर फेज, क्यों क्यों दे रखी है 4 स्लॉट पर पोल पर फेज, वाइंडिंग इज एम्प्लॉयड, क्या बोला मैंने, ए टू लेयर नैरो स्प्रेड वाइंडिंग इज एम्प्लॉयड
एंड द वाइंडिंग इज अकोमोडेटेड इन फोर स्लॉट पर पोल पर फेज, ठीक है, विद एट कंडक्टर पर स्लॉट, एट कंडक्टर पर स्लॉट, एट कंडक्टर पर स्लॉट अभी। अच्छा आगे बोला है द क्वाइल आर शॉर्ट पिस्ट बाई वन स्लॉट, क्वाइल्स आर शॉर्ट पिस्ट बाई वन स्लॉट, एक स्लॉट से शॉर्ट पिस्ट अभी। When the flux density wave covering two pole pitches is analyzed into space harmonics, when the flux density wave covering two pole pitches is analyzed into space harmonics, the fundamental is found to have an amplitude of, जो flux density की जो है भाई उसका जो fundamental का जो amplitude दे रखा है, it is 0.87 tesla. फंडामेंटल का एम्पलीट्यूड देखा 0.87 टेस्ला एंड थर्ड हार्मोनिक हैव एम्पलीट्यूड ऑफ 0.24 टेस्ला एंड फिफ्थ हार्मोनिक हैव एम्पलीट्यूड ऑफ 0.14 टेस्ला, ये दे रखा अभी बीपी1 बीपी3 बीपी5 ये आपको एम्पलीट्यूड दे रखे हैं रेस्पेक्टिवली। एलिमिनेट द रिजल्टेंट फेज एंड लाइन वोल्टेज, एलिमिनेट नहीं एलिमिनेट नहीं एस्टिमेट, एलिमिनेट अलग हो गया, एस्टिमेट द रिजल्टेंट फेज एंड लाइन वोल्टेज ऑन नो लोड इफ द ऑल्टरनेट इज स्टार कनेक्टेड एंड दूसरे में डेल्टा कनेक्टेड। आपको बताना है कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या होगी अगर मेरा ऑल्टरनेटर क्या है स्टार में है या फिर मेरा ऑल्टरनेटर डेल्टा में है तो, ठीक है, एक बार आप स्टार में ले लीजिए और एक बार आप डेल्टा में ले लीजिए, आपको बताना है कि जो ईएमएफ होगा वो क्या होगा, ठीक है, लाइन वोल्टेज क्या होगी फेज वोल्टेज क्या होगी। क्वेश्चन समझ आएगा पहले ये बताओ, क्वेश्चन को पहले क्लियरली समझ लो भाई क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, ठीक है, तो एक बार वो चीज देखिए, ये बेसिकली स्टार में और डेल्टा में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ जरा, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए E1, मुझे चाहिए E3, मुझे चाहिए E5, तीन वोल्टेज चाहिए। E1 क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है E1 का जरा बता सकते हो, एन फेज फाई पर पोल 1 KW1 ओमेगा, सही बात है। अब आइए थर्ड हार्मोनिक पे, एन फेज फाई पर पोल 3 KW3 3 ओमेगा, एन फेज फाई पर पोल 5 KW5 5 ओमेगा, समझ आया भाई, ये बनेंगे मेरे पास तीन ईएमएफ, ठीक है, और ये मैक्सिमम वैल्यू है। अब जरा निकालते हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ टर्न पर फेज निकालते हैं, कितनी टर्न्स पर फेज। मुझे एक बात आइए, स्लॉट पर पोल पर फेज कितने हैं, 4, तो एक यहां से मैं टोटल स्लॉट निकाल सकता हूं क्या, स्लॉट्स पर पोल पर फेज ये दे रखे 4। एक काम करते हैं फेज को इधर ले आते हैं और पोल को भी इधर ले आते हैं, कितने आगे बताओ जरा, 72 स्लॉट्स आगे। एक स्लॉट में 8 कंडक्टर है, एक स्लॉट में 8 कंडक्टर है, तो टोटल कंडक्टर कितने हुए, कितने कंडक्टर हो गए बताओ, है जी 576 कंडक्टर्स, इतने कंडक्टर्स हो गए आपके टोटल। अब मुझे बताओ कितनी टर्न्स हुई टोटल, डिवाइड बाय 2, टर्न्स बताइए, टोटल टर्न्स कितनी होगी 576 बाय 2 कितना बना बताओ जरा, 288 टर्न्स। अब मुझे एक बात आइए, पर फेज कितनी टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न पर फेज, एन फेज क्या बनेगा, 288 बाय 3 कितना आया, 96 टर्न्स पर फेज होगी, सही बात है, 96 टर्न्स पर फेज होगी, बहुत अच्छा। अब आइए, अब ये तो एन फेज पे आ गए, बहुत बढ़िया, अब फ्लक्स पर पोल पे आते हैं, फ्लक्स पर पोल देखिए, अब फंडामेंटल का देखते हैं, 4 बाई पी BP1 LR, अब बताओ 4 बाई पी 6 BP1 आपको दे रखा है 0.87
L length, length कितनी है 0.23 मीटर, R कितना है 0.14 मीटर, ये डायमीटर है भाई, साफ कर दीजिए, ठीक है। तो आप बताएंगे क्या बनेगा, बोलिए क्या बना, क्या है इसकी वैल्यू बताइए ना, बोले भी क्या बना, फ्लक्स पर पोल फंडामेंटल की वजह से, जल्दी करें भाई, 0.0373 चलिए नेक्स्ट आइए, 5PP3 पर पोल 3 थर्ड हार्मोनिक वाला, 4/3P BP3LR बताओ क्या बनेगा, 4/18 ठीक है, BP3 क्या है बताओ जा, 0.24 आ गया BP3, LR 0.23, R इज 0.14, तो बताइए क्या बनाइए, BP3 LR, बोलिए भी क्या बना, बोलिए क्या बना, 1.717 मिली वेबर। अब आप बताइए फ्लक्स पर पोल फिफ्थ हार्मोनिक की वजह से क्या बनेगा, 4/5P BP5 LR, तो आप बोलिए भाई क्या बना, 4/5P BP5 LR, बोलिए क्या बना, 4/30 BP5 इज 0.14, L इज दिस, R इज 0.14, बोलिए क्या बना, है जी 6.01 माइनस 3 वेबर है जी, -4, बहुत बढ़िया भी सही है, ये तो निकाल दिया हमने फ्लक्स पर पोल, तो ये हो चुका है, ये हो चुका है, अब आइए KW में, KW से पहले एक काम करते ना, अच्छा मुझे एक बात और बताओ जरा, एक मिनट पहले ये फ्रीक्वेंसी निकाले क्या, RPM दे रखा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी बताओ जरा, 120 f/p होता है ना, तो pn/120, तो बताओ p कितना है, 6 × n 1000/120, एक जीरो कट गया, 6 × 12 है 50, 50 Hz, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, 100π 2πf 100π, बहुत बढ़िया, अभी तो ओमेगा भी निकाल दिया, अब बताओ अब बचा KW, फुल पिच है कि शॉर्ट पिच है, शॉर्ट पिच बाय वन स्लोट, इसका मतलब एप्सिलॉन बताओ पहले क्या आया, कितने स्लोट है टोटल, 72 स्लोट, तो इलेक्ट्रिकल एंगल बताइए क्या बना एक स्लोट का, 360/72, ये तो मैकेनिकल एंगल हो गया, इनटू पोल 6/2 P/2 क्या बना बताओ जरा, 15 डिग्री, तो ये एक स्लॉट का एंगल आ गया, गामा आ गया, एंगुलर स्लॉट पिच आ गया, और एप्सिलॉन भी यही कह रहा है कि शॉर्ट पिच बाय वन स्लॉट, इसका तो एप्सिलॉन की वैल्यू भी क्या बन जाएगी बताओ जरा, 15 डिग्री, तो आप बताओ KP1 क्या बनेगा और KP3 क्या बनेगा और KP5 क्या बनेगा, तीनों निकाल दीजिए, KP1 बनेगा कोस ऑफ 7.5 7.5 डिग्री, और अगला क्या बनेगा, कोस ऑफ 3 × 7.5, ठीक है 3 × 7.5, और अगले में क्या बनेगा, कोस ऑफ 5 × 7.5, बताइए भी क्या बना इनका, पहला क्या आया कोस ऑफ 7.5 क्या बना, 0.9914, अगला बोलिए 0.9238, अगला बोलिए 0.7933, बहुत बढ़िया सही है, ये आ गया KP1 KP3 KP5, इसका आधा काम हो गया, अब क्या चाहिए अपने को, KD1 KD1 कैसे निकालोगे दोस्तों, बोलिए बोलो भाई, मुझे बताओ गामा मैंने आपको बताया था 15 से लेस अगर हो जाए तो क्या मानेंगे उसको, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, तो फिर मैं क्यों ना ये फॉर्मूला लगा दूं यार, साइन ऑफ सिग्मा बाई 2 / सिग्मा बाई 2,
लेकिन ये नीचे वाला सिग्मा बाई टू रेडियन में है, ध्यान देना। अच्छा ये तो के डी वन है, के डी थ्री क्या बनेगा बताओ जरा, साइन ऑफ थ्री सिग्मा बाई टू डिवाइड बाई थ्री सिग्मा बाई टू, सही है। और ऐसे के डी फाइव, साइन ऑफ फाइव सिग्मा बाई टू डिवाइड बाई फाइव सिग्मा बाई टू, बताए भाई क्या बनेगा। के डी वन बताइए क्या आया, सिग्मा आपको दे रखा है साठ, नैरो स्प्रेड है, साठ है, सिक्सटी है, तो आप बताइए भी क्या बनेगा। सिग्मा सिक्सटी है तो सिग्मा बाई टू थर्टी हो गया, और नीचे भी थर्टी आएगा, बट थर्टी रेडियन में आएगा नीचे, ये डिग्री में नहीं है, ये रेडियन में है, ध्यान देना, विदाउट साइन है। तो साइन थर्टी इज हाफ डिवाइड बाई पाई बाई सिक्स, ठीक है, पॉइंट नाइन फाइव फोर नाइन, बहुत अच्छा। के डी थ्री बताइए क्या बना, के डी थ्री बोलिए भाई, के डी थ्री बोलिए कितना आया, जल्दी करें भाई, टाइम ले रहे हो आप ज्यादा, कितना बना, पॉइंट सिक्स थ्री सिक्स सिक्स। अगला बोलिए के डी फाइव, के डी फाइव बोलिए भाई क्या आया, कितना आया, पॉइंट वन नाइन वन, पॉइंट वन नाइन वन, यह आगे भी पॉइंट वन नाइन वन, के डी फाइव, के डी फाइव इज पॉइंट वन नाइन वन। अब सुनिए भाई, एक काम करते हैं, के डब्ल्यू वन निकालते हैं, मैं ऊपर लिख रहा हूं, आप के डब्ल्यू वन थोड़ा अलग अलग लिख रहा हूं, ठीक है, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज मत होना भाई। के डब्ल्यू वन क्या बनेगा, के पी वन इंटू के डी वन, बोलिए कितना आया, पॉइंट नाइन फोर सिक्स सिक्स। के डब्ल्यू थ्री बोलिए, के डब्ल्यू थ्री क्या आया बताओ, है जी, पॉइंट फाइव एट एट। नेक्स्ट बोलिए के डब्ल्यू फाइव, के डब्ल्यू फाइव बोलिए भाई, मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ, पॉइंट जीरो, या मे बी एक मिनट जरा देखना, के डी वन पॉइंट नाइन फाइव, नाइन फाइव सेवन सिक्स है भैया, पॉइंट नाइन फाइव सेवन सिक्स है, इतना ही आ रहा है क्या। वैसे इसने क्या किया हुआ है, इसने उससे निकाला हुआ है q साइन गामा बाई टू डिवाइड बाई, क्योंकि अपने को पास q भी है और अपने पास गामा भी है, तो उससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। वैसे तो उसी से निकालना चाहिए, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेशन है, ये अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है। अगर एग्जैक्ट निकालना है तो क्या करें फिर, एग्जैक्ट निकालिए ना यार, चलिए मैं लिख देता हूँ फिर, एग्जैक्ट लिख देता हूँ, सुनिए भाई, क्योंकि अगर मेरे पास क्यू गामा है तो मैं अप्रोक्सीमेशन क्यों लूँ, ठीक है। ये बनेगा साइन ऑफ क्यू गामा बाई टू डिवाइड बाई क्यू साइन गामा बाई टू, ये तो के डी वन है, और इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी पॉइंट नाइन फाइव सेवन सिक्स। के डी थ्री देखिए, साइन थ्री क्यू गामा बाई टू डिवाइड बाई क्यू साइन थ्री गामा बाई टू, इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है पॉइंट सिक्स फाइव थ्री थ्री। नेक्स्ट आइए के डी फाइव, फाइव क्यू गामा बाई टू डिवाइड बाई क्यू साइन फाइव गामा बाई टू, उसकी जो वैल्यू है वो है पॉइंट टू जीरो, वैसे अप्रोक्सीमेटली सेम ही आ रहा होगा, देखना ये आ रही है। तो आप बताइए के डब्ल्यू वन क्या आया, के डब्ल्यू वन इज बोलिए अभी कितना आया, के डब्ल्यू वन पॉइंट नाइन फोर नाइन, पॉइंट नाइन फोर नाइन। के डब्ल्यू थ्री बोलिए भाई, पॉइंट सिक्स जीरो थ्री फाइव। के डब्ल्यू फाइव पॉइंट वन सिक्स थ्री, बोलिए भाई सही है क्या, एक बार चेक कर लो, के डब्ल्यू वन, के डब्ल्यू थ्री एंड के डब्ल्यू फाइव, सही है। अब सुनिए, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब निकालते हैं ई वन, मैं बीच में रब कर दूं क्या, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे अभी, तो मैं रब कर रहा हूं भाई बीच वाले हिस्से को। अब आइए ई वन पे, और बल्कि इसको भी हटा देता हूं मैं, इसकी मुझे जरूरत नहीं है, इन सब की अब कोई जरूरत नहीं मुझे, जो चीज मुझे चाहिए थी वो सारी निकाल चुका हूं मैं।
बोलिए अभी इवन क्या बना? इवन आएगा नंबर ऑफ टन पर फेस, नंबर ऑफ टन पर फेस कितनी थी बताओ? है जी 96 इंटू फ्लक्स पर पोल 0.01867 वेबर इंटू KW1 0.949 इंटू 100 पाई। बोलिए भाई कितना आया बताइए? फंडामेंटल वोल्टेज की पीक वैल्यू क्या आएगी? मेरे पास जो आंसर है वो है आपका, इसने आरएमएस वैल्यू निकाल रखी है तो डिवाइड बाय क्या कर दो? रूट टू। तो आप बताओ क्या वैल्यू आएगी आरएमएस वैल्यू? 379। मेरे पास 378 दे रखा है इसने, कितना आ रहा है? 378 आ रहा है क्या? 378.4 वोल्ट ये आ रहा है भाई, सही है। अब आइए E3 पे, 96 इंटू बोलिए 5 पर पोल थर्ड हार्मोनिक वाला 1.717 इंटू 10^-3, ये थर्ड हार्मोनिक वाला फ्लक्स हो गया, इंटू KW3 कितना है 0.6035 इंटू 3 ओमेगा, तो क्या बन गया 300 पाई। बोलिए भाई कितना वोल्ट आया? और डिवाइड बाय रूट टू भी कर दे भाई, आरएमएस निकाल रहा हूँ 64.59 वोल्ट। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, आंसर इज 66.40, इतना यार 66.40, कैलकुलेशन ठीक करो भाई, इतना आ रहा है क्या? देखो 66.40 इतना आ रहा है क्या या 64 आ रहा है बताओ? ठीक है इतना चलेगा। नेक्स्ट बताइए E5 बोलिए 96 इंटू बोलिए फ्लक्स पर पोल फिफ्थ हार्मोनिक वाला कितना है 6.01 इंटू 10^-4 इंटू KW5 कितना है बताओ जरा? 0.163 KW5 हो गया इंटू 500 पाई, बताइए भी क्या आया? और डिवाइड बाय रूट टू 10.42 या 4.42 है मेरे पास 10.42 वोल्ट, ये आ गया थर्ड हार्मोनिक, ये आरएमएस वैल्यू आई है तीनों हार्मोनिक की। अब क्या पूछ रहा है बताओ जरा, आपसे क्या पूछा है बताओ? हाँ पहले स्टार में देखते हैं, मान लीजिए स्टार में करेक्ट है ऑल्टरनेटर मेरा, तो आप बताइए फेज की आरएमएस वैल्यू क्या आएगी? फेज के अंदर तीनों हार्मोनिक है, इसके अंदर E1, E3, E5 तीनों है, तो ओवरऑल आरएमएस क्या आएगी बताओ जरा? ओवरऑल आरएमएस जो आएगी वो आएगी रूट ऑफ इंडिविजुअल की आरएमएस का स्क्वायर, समझ आया? ओवरऑल यही तो निकालते हो यार, बोलो ना, इंडिविजुअल की आरएमएस का स्क्वायर कर दो, ओवरऑल की आरएमएस वैल्यू आ जाएगी। बताओ फेज की आरएमएस है ये? बोले कितना आया फेज की आरएमएस वैल्यू? बोलिए फेज वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू क्या आई बताओ? स्टार में बता रहा हूं भाई मैं, इंडिविजुअल है जी 384.32 वोल्ट। मैं एक बार चेक कर लेता हूं, आंसर इज 384.32 वोल्ट, करेक्ट है। अब आइए लाइन वोल्टेज पे, लाइन वोल्टेज में क्या होगा? ए बी, ए माइनस बी करोगे तो थर्ड हार्मोनिक कट जाएगा, क्यों भाई? क्योंकि थर्ड हार्मोनिक का तो फेज होता है दोनों का, ए में भी बी में भी क्या होता है वो सेम होता है, तो थर्ड हार्मोनिक कट जाएगा। तो आप बताओ जो फंडामेंटल है वो क्या हो जाएगा? वो रूट थ्री टाइम्स, और फिफ्थ हार्मोनिक वो भी रूट थ्री टाइम्स, क्योंकि वो ए बी सी था, वो भी ए बी सी था बट उसमें सीक्वेंस उल्टी थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा ए बी का? रूट थ्री टाइम्स। तो आप बताइए अगर मैं बात करूं लाइन वोल्टेज की, ये तो फेज वोल्टेज थी, अब आइए वी लाइन, तो वी लाइन क्या बनेगी? रूट ऑफ फंडामेंटल की आरएमएस का स्क्वायर करो, तो फंडामेंटल क्या है? रूट थ्री, ये बनेगा, ये आरएमएस बनेगी फंडामेंटल, इसका स्क्वायर कर दो। लाइन वोल्टेज निकाल रहा हूं ना मैं, तो रूट थ्री करना जरूरी है भाई। प्लस बोलिए क्या? प्लस थर्ड हार्मोनिक नहीं लेना है, फिफ्थ हार्मोनिक 10.42 रूट थ्री, इसका क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। बताओ क्या आंसर आया फाइनली? है जी 655.63। आपको समझ आएगा क्यों नहीं लिया मैंने थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक क्यों नहीं लिया, और इनको रूट थ्री क्यों किया है?
क्योंकि फंडामेंटल में ए इधर था, बी इधर था, सी इधर था, तो ए भी निकालोगे तो रूट थ्री टाइम्स आएगा, फंडामेंटल में ऐसे था, और फिफ्थ हार्मोनिक में ए इधर था, बी इधर था, सी इधर था, तो ए भी निकालोगे तो इधर आएगा कहीं ए बी, और इसमें ए भी निकालोगे तो इधर आएगा, ठीक है, अल्टीमेटली रूट थ्री ये भी होगा उसका और ये भी रूट थ्री होगा, रूट थ्री कर दिया लाइन, और फिर उनका ओवरऑल आरएमएस निकाल दिया, समझ आया भाई, बोलिए कोई दिक्कत हो, आगे बढ़ सकते हैं। अब आइए डेल्टा में, ये तो स्टार में था, अब डेल्टा में देखते हैं, अगर मैं डेल्टा में कनेक्ट करूंगा दोस्तों तो आप मुझे बताओ थर्ड हार्मोनिक ना फेज में होगा ना लाइन में होगा, क्यों नहीं होगा बताओ, क्योंकि थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज की वजह, देखो अगर मैं फंडामेंटल ले लूं तीनों में और जोड़ू तीनों का फंडामेंटल तो जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ, फंडामेंटल में जीरो क्यों हुआ बाय द वे, क्योंकि ये जीरो डिग्री, ये माइनस 120, ये प्लस 120, तो टोटल सम अगर लूप में चलोगे तो फंडामेंटल जीरो हो जाएगा, ऐसे फिफ्थ हार्मोनिक भी क्या हो जाएगा जीरो, लेकिन थर्ड हार्मोनिक क्या होगा थ्री टाइम्स हो जाएगा जोड़ोगे तो, क्योंकि तीनों का फेज क्या है थर्ड हार्मोनिक में सेम है, तो वो थ्री टाइम्स हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा बताओ जरा, इनका कुछ इंपीडेंस भी होगा तो उसकी वजह से कुछ करंट आएगा, थर्ड हार्मोनिक इंपीडेंस होगा इनका कुछ, थर्ड हार्मोनिक इंपीडेंस अगर हुआ तो उसकी वजह से कुछ करंट आएगा, और करंट आएगा तो क्या होगा बताओ जरा, उस करंट की वजह से इसका जो वाइंडिंग का जो इंपीडेंस है उसी में जितना थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज आया था, सोचिए एक मिनट, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि इसके अंदर एक थर्ड हार्मोनिक इंपीडेंस है और एक थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज है, सिमिलरली इसके अंदर बोलिए इधर, इधर भी थर्ड हार्मोनिक इंपीडेंस है और एक क्या बताओ जरा एक वोल्टेज है, ऐसे इसके अंदर बताओ एक तो वोल्टेज होगी और एक क्या हो गया बताओ जरा, एक आपका थर्ड हार्मोनिक इंपीडेंस हो गया जेड थ्री। अब बताओ अगर मैं लूप में चलूं तो ये ई थ्री और इसका ई थ्री और इसका ई थ्री सेम फेज में है, ये 120 में डिस्प्लेस नहीं है, थर्ड हार्मोनिक अभी देखा था आपने, में भी हार्मोनिक जो मैंने समझाया था, टोटल क्या बनेगा लूप में वोल्टेज ई थ्री प्लस ई थ्री प्लस थ्री ई थ्री बाई थ्री जेड थ्री, इंपीडेंस भी तो जुड़ जाएगा, तो सर्कुलेटिंग करंट कितना आएगा बताओ डेल्टा में ई थ्री बाई जेड थ्री, ये सर्कुलेटिंग करंट आएगा, ये मैंने नेटवर्क में भी पढ़ाया थ्री फेज में, ठीक है, ई थ्री बाई जेड थ्री ये बनेगा, ये मेरा सर्कुलेटिंग करंट आएगा, तो इसमें ड्रॉप कितना आएगा बता सकते हो, ई थ्री बाई जेड थ्री इंटू जेड थ्री क्या हो गया ई थ्री का ड्रॉप, इसका था ये राइज करेगा उतना ये ड्रॉप कर देगा, तो पूरी वाइंडिंग में थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज क्या बनेगी जीरो, तो इसका था ना इस वाइंडिंग के अंदर थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज बचा, और जो फेज वोल्टेज होती है वही तो क्या होती है लाइन वोल्टेज, तो इसका था डेल्टा में ना फेज में थर्ड हार्मोनिक होगा ना ही लाइन में थर्ड हार्मोनिक होगा, तो ओवरऑल आरएमएस वैल्यू क्या आएगी फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज की, बस ये हटा दो, ठीक है, लाइन वोल्टेज ये है, सॉरी फंडामेंटल की वोल्टेज ये है, फेज वोल्टेज और थर्ड हार्मोनिक की यही है, तो ये निकाल दो आरएमएस वैल्यू क्या है, कितने आए बता दरा 378.54 वोल्ट, और यही मेरी क्या होगी लाइन और यही मेरी फेज होगी, ठीक है भाई, तो आप नोट कर लीजिए डेल्टा में क्या बनेगा 378.54 इज करेक्ट, सही है भाई। अब इसका बी पार्ट देखिए, ये पहला पार्ट था इसका, आई होप आपको समझ आया ये, ठीक है, मुश्किल तो नहीं था, ठीक है, बट आप देखिए कि इसमें पूरा आपको पूरी डेप्थ आ गई है, ऑल्टरनेटर के अंदर का हमें सब कुछ पता चल गया कि भाई कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग थी, कैसे हमने, ठीक है, पिच फैक्टर क्या लिया हमने, ठीक है, उससे क्या क्या हमारे पास हार्मोनिक बने, कनेक्शन से हमने देखा कि कैसे हम कनेक्शन करते हैं। इसका एक और पार्ट है, जरा देखिए एक और पार्ट क्या है, इफ द पर फेज रिएक्टेंस ऑफ ऑल्टरनेटर एट 50 हर्ट्ज इज 10 ओम, ये कह रहा 50 हर्ट्ज पे जो पर फेज इंपीडेंस है वो 10 ओम है, 50 हर्ट्ज पर फेज रिएक्टेंस, पर फेज रिएक्टेंस इंपीडेंस नहीं है भाई, पर फेज क्या है रिएक्टेंस, इसका मतलब जेएक्स की वैल्यू है, पर फेज रिएक्टेंस ऑफ एन ऑल्टरनेटर एट 50 हर्ट्ज इज 10 ओम, कैलकुलेट द सर्कुलेटिंग करंट व्हेन द मशीन इज इन डेल्टा कनेक्टेड, ये कह रहा है सर्कुलेटिंग करंट क्या आएगा जब डेल्टा कनेक्टेड है तब, बताओगे क्या आएगा, वो आएगा ई थ्री बाई जेड थ्री, जेड थ्री बताओ पहले तो, फंडामेंटल पे तो ये है अगर मैं थर्ड हार्मोनिक ले लूंगा तो रिएक्टेंस क्या बनेगा, इंडक्टेंस होता ना जे ओमेगा एल आर, तो थर्ड हार्मोनिक की वजह से ओमेगा थ्री टाइम्स हो गया ना, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा ये बन जाएगा जे थर्टी, तो आप बताओ सर्कुलेटिंग करंट क्या आएगा ई थ्री बाई जेड थ्री, ई थ्री कितना है बताओ 66.40 डिवाइड बाई जेड थ्री कितना है 30, बताओ कितना आंसर आया, सर्कुलेटिंग करंट कितना आया बताइए, बोलिए 2 point something आएगा, कितना आया 2.213 एम्पियर, ठीक है, ये मेरा सर्कुलेटिंग करंट आएगा,
तो ये था मेरा क्वेश्चन भाई, समझा? तो आप देख सकते हो कि किस तरह से इसको सोल्व करेंगे। थर्ड हार्मोनिक वैसे खतरनाक चीज है अगर डेल्टा में कनेक्ट है तो। क्यों? आप बोलोगे सर डेल्टा में तो अच्छी बात है, लाइन में भी नहीं है, फेज में भी नहीं है, इसके अंदर तो लॉस होंगे। सोचिए सर्कुलेटिंग करंट ज्यादा लार्ज होता, ठीक है, तो वाइंडिंग के अंदर ही क्या हो जाता, बहुत ज्यादा आपका लॉस हो जाता, समझ रहे हो? तो वो खतरनाक है। तो ऐसा नहीं है कि डेल्टा में फायदा होगा कनेक्शन से, तो लेकिन अच्छी बात नहीं है ये, ठीक है ना? तो अब लिखिए हार्मोनिक एलिमिनेशन, हार्मोनिक को एलिमिनेट कैसे करें, ठीक है? आप हेडिंग डालिए भाई, एलिमिनेशन ऑफ हार्मोनिक्स, ठीक है? हार्मोनिक का एलिमिनेशन कैसे करते हैं, एलिमिनेशन ऑफ हार्मोनिक फ्रॉम ऑल्टरनेटर ईएमएफ वेवफॉर्म। ऑल्टरनेटर की जो ईएमएफ की जो वेवफॉर्म होगी उससे हार्मोनिक को कैसे एलिमिनेट करें, ठीक है, वो जरा समझते हैं। तो कुछ पॉइंट तो आपको पता है कि कैसे हार्मोनिक को एलिमिनेट करोगे, बताओ, लिखो, कैसे लिखोगे? हाँ, सबसे पहला लिखो डिस्ट्रीब्यूशन एंड कोडिंग, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड कोडिंग वी कैन एलिमिनेट हार्मोनिक्स, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड कोडिंग। डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग या डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का यूज करके या फिर कोडिंग का यूज करके आप क्या कर सकते हो, आप हार्मोनिक एलिमिनेट कर सकते हो। सबसे पहला पॉइंट तो ये था, डिस्ट्रीब्यूशन कोडिंग दोनों आगे। नेक्स्ट लिखिए ऑल्टरनेटर कनेक्शन, ऑल्टरनेटर कनेक्शन की हेल्प से भी क्या कर सकते हो, हार्मोनिक को एलिमिनेट कर सकते हो। आप लिख सकते हो ये चीज, स्टार में क्या होगा, स्टार में लाइन में, लाइन में तो स्टार और डेल्टा किसी में भी क्या होगा, थर्ड हार्मोनिक नहीं आएगा, ट्रिपलेन नहीं आएंगे इवन, ठीक है, बट अगर डेल्टा है तो फेज में भी नहीं आएंगे ट्रिपलेन, ठीक है, फेज में भी आपके ट्रिपलेन नहीं आएंगे, अच्छी बात ही। नेक्स्ट लिखिए फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग, फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग। अब ये मैं आगे समझाऊंगा आपको कि फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग से कैसे आप हार्मोनिक एलिमिनेट करते हो, ठीक है, ये अच्छी चीज है फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग, तो आप लिख लो डिस्कस लेटर, ठीक है ना, इसको बाद में करेंगे भाई, ठीक है, फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग। नेक्स्ट लिखिए स्क्यूइंग, स्क्यूइंग, स्क्यू करना कैसे होता है, देखो ना ये स्क्यूइंग है, सुरेंद्र जी अगर थोड़ा दिखाएं दो, ये जो मेरा कंडक्टर है ये स्क्यूड है, स्क्यूड का मतलब क्या कर दो आप, इनको तिरछा कर दो, ठीक है, इसको स्ट्रेट, मतलब देखो अगर मैं इसको दिखाऊं इसमें स्क्यूड नहीं है, ध्यान से देखो इसमें क्या है, बताओ, बिल्कुल स्ट्रेट है ना, जबकि इसमें क्या है बताओ जरा, कंडक्टर जो डले हुए रोटर के अंदर वो क्या है, वो स्क्यूड है, वो तिरछे तिरछे हैं। क्यों करते हैं, उसका रीजन है, कई सारे रीजन है, एक रीजन तो मैंने क्या बताया, हार्मोनिक एलिमिनेशन का, हार्मोनिक एलिमिनेट होंगे इससे, ठीक है, वो देखेंगे आगे जब आपको कोगिंग क्राउलिंग में पढ़ाऊंगा तब आपको समझ आएगा ये, ठीक है, तो आप लिख सकते हो यूजिंग स्क्यूइंग आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है ना। दूसरा एक और चीज देखिए, सोचिए कि मैं ऐसे करूं कि जो मेरा, जैसे आप, आपका ये रोटर था सोचिए, और यहां पे मेरा नॉर्थ एंड साउथ पोल है, तो फ्लक्स डेंसिटी की वेवफॉर्म आप देख रहे हो तो फ्लैट टॉप बनती है ना। एक काम करो ना, आप क्यों ना इस तरह का बना दो कि यहां पे ज्यादा गैप हो और यहां पे कम गैप हो, उससे क्या फायदा होगा बताओ जरा, जितना आप दूर जाओगे उतना एयर गैप क्या हो जाएगा बताओ जरा, बढ़ जाएगा, जितना आप इससे दूर जाओगे उतना एयर गैप, तो उससे फ्लैट टॉप नहीं रहेगा यहां से यहां तक, समझ रहे हो, उससे क्या रहेगा, यहां पे आपका सबसे पीक रहेगी फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू, और जितना दूर जाओगे उससे क्या होगा, उतना क्या होगा, कम होता जाएगा, समझ रहे हो आप मेरा पॉइंट। तो ये भी आप एक तरीका अप्लाई कर सकते हो, आप नोट कर लीजिए इस पॉइंट को, कैसे नोट करोगे पता नहीं, डायग्राम बना लीजिए इसका, ठीक है, मे बी इस बुक में लिखा है ये, वैसे स्मॉल एयर गैप एट द पोल सेंटर एंड लार्ज एयर गैप टुवर्ड्स द पोल एंड, स्मॉल एयर गैप एट द पोल सेंटर, पोल सेंटर पे स्मॉल एयर गैप ले लो एंड लार्ज एयर गैप टुवर्ड्स द एंड पॉइंट, ठीक है, एंड की तरफ जाओगे तो लार्ज एयर गैप होना चाहिए, नजदीक आपका स्मॉल एयर गैप होना चाहिए, उससे आप कर सकते हो ये चीज, ठीक है। चलिए दूसरा लिखिए, हो गया भाई, स्क्यूइंग द पोल फेस। नेक्स्ट लिखिए स्क्यूइंग द पोल फेस, अगेन इसको बाद में देखेंगे, स्क्यू द पोल फेस इफ पॉसिबल, पोल फेसेस को स्क्यू कर दीजिए, स्क्यूइंग द पोल फेस, पोल फेसेस इफ पॉसिबल।
होल फेस को आप स्क्यू कर दीजिए, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है जिससे आप हार्मोनिक एलिमिनेट करोगे, खासकर टीथ हार्मोनिक जो होते हैं ना, आपकी आगे आपको बताएंगे ये सब चीज़ें, ठीक है, उनको आप एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये थे कुछ तरीके जिनसे आप हार्मोनिक को एलिमिनेट कर सकते हो। एक क्वेश्चन है, सुनिए, कि जो मेरी EMF ये होती है उसमें सेकेंड हार्मोनिक क्यों नहीं होगा, बता सकते हो क्या? ओड हार्मोनिक ही क्यों होता है, सेकेंड हार्मोनिक क्यों नहीं हो सकता, सोचिए। हैं जी, हाँ, एक तरीका तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि जो हमारी फ्लक्स डेंसिटी की वेवफॉर्म थी वो कैसी थी, बताओ, ओड हाफ एसिमेट्रिक थी। एक और तरीके से अगर मैं एक्सप्लेन करूं इसको, तो मैं ये कह सकता हूं, जरा देखिए, अगर एक और तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो मैं ये कह सकता हूं दोस्तों, सोचिए कि ये मेरे पास फ्लक्स डेंसिटी की वेवफॉर्म है, सोचिए वो प्योर साइन वेव है, ठीक है, उसके अंदर मान लीजिए उसके अंदर प्योर साइन वेव है, मान लीजिए ऐसे मान लो, ठीक है, वो जो डिस्ट्रीब्यूटेड फ्लक्स है मेरा वो साइन वेव है। अब या उसके अंदर सेकंड हार्मोनिक भी मान लेते हैं, एक मिनट के लिए, फ्लक्स डेंसिटी के अंदर मान लीजिए सेकंड हार्मोनिक भी है, जरा देखते हैं कि वोल्टेज के अंदर हार्मोनिक बनता है कि नहीं बनता। सेकंड हार्मोनिक को कैसे दिखाओगे दोस्तों, सही है, करेक्ट है। अब सोचिए मेरे पास कोई क्वाइल है और फुल पिच क्वाइल है, तो क्वाइल की एक साइड जब मैक्सिमम इसके अंदर आएगी तो दूसरी किसके अंदर आएगी, बताओ जरा, एक साइड मैक्सिमम के अंदर आएगी जब, तो क्वाइल की दूसरी साइड जो होगी वो किसके अंदर आएगी, मिनिमम के अंदर आएगी, सही है, बोलिए ना, करेक्ट है भाई। तो आप बताओ इसके अंदर इसकी वजह से वोल्टेज इंड्यूस हुआ, बट इसकी वजह से क्या हुआ, बता देना, जीरो और जीरो। आप बोलोगे सर ये तो आपने चालाकी दिखा दी, आप थोड़ा सा आगे कर दो, क्योंकि फुल पीछे रखो इसको, तो थोड़ा सा आगे रख दो, फुल पीछे तो है यार, ये नॉर्थ साइड है और ये क्या बताओ जरा, साउथ साइड है, साउथ के नीचे है ये एक साइड, नॉर्थ के नीचे है, फुल पिच कॉइल है ना मेरी, तो इसमें ये देखो यहाँ पे ये पोलैरिटी की वोल्टेज बन रही है, तो यहाँ पे क्या होगा बताओ जरा, यहाँ पे उल्टी पोलैरिटी की वोल्टेज बन रही है, तो जब आप जोड़ोगे तो जुड़ जाएगा, अल्टीमेटली टोटल वोल्टेज यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, ठीक है। लेकिन ये तो फंडामेंटल की वजह से बनी, सेकंड की वजह से नहीं बनी, इवन थर्ड की वजह से भी बनेगी यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे थर्ड हार्मोनिक दिखाऊं ना, अब देखिए थर्ड की वजह से यहां पे देखो, यहां पे उल्टी पोलैरिटी बनेगी और यहां पे क्या बनेगी बताओ जरा, यहां पे फिर उसका उल्टा बन जाएगा, मतलब थर्ड हार्मोनिक की वजह से दिखाऊं तो यहां पे थर्ड हार्मोनिक की वजह से ये बनेगा, जरा देखो ये नीचे है तो नीचे उल्टा दिखा दो, और ये ऊपर है तो यहां पे ऊपर की तरफ ऐसे दिखा दो, और सीरीज में कनेक्ट करके देखो, सीरीज में कनेक्ट करके देखो तो ये क्या हुआ, ये जुड़ेगा और फिर सीरीज में ये भी जुड़ जाएगा, इसका तो थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज भी पैदा होगी, सेकंड हार्मोनिक नहीं होगा। बट आप बोलोगे सर सेकंड हार्मोनिक में आपने चालाकी दिखा दी, क्या चला की दिखाई, कि आप जीरो जीरो पे ले बैठे हो, थोड़ा सा एक काम करते हैं आगे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा आगे करके देखते हैं। सोचिए अगर मैं क्वाइल को यहां इस पोजीशन पे दिखाने के बजाय यहां पे दिखा देता, एक साइड यहां पे और एक साइड यहां पे, एक ही बात है, शिफ्टेड कर दो ना थोड़ा सा, क्योंकि रोटर तो घूमता रहता है तो उसकी क्वाइल घूमती रहती है, सोचिए क्वाइल घूम के थोड़ी आगे चलेगी, मतलब इस तरह का था मेरे पास, ये नॉर्थ था और ये साउथ था, मैंने क्या मान लिया, मैंने मान लिया कि फ्लक्स डेंसिटी के अंदर फंडामेंटल है, सेकंड हार्मोनिक है और थर्ड हार्मोनिक है। अब क्वाइल तो घूम रही है ना, तो चालाकी से क्वाइल को पहले आपने यहां पे रखा था, एक नॉर्थ के सामने एक साउथ के सामने, एक यहां पे साइड रखी है, एक यहां पे साइड रखी है, ऐसे रखा था, उस केस में हमने देखा कि फंडामेंटल वोल्टेज बनेगी और थर्ड हार्मोनिक की वजह से वोल्टेज बनेगी, बट सेकंड की वजह से क्या हुआ था बताओ, इसकी वजह से जीरो। अब एक काम करते हैं, क्वाइल को थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं, मतलब थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देता हूं। अब बताओ, अब फंडामेंटल की वजह से यहां पे वोल्टेज देखिए, पहले तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव के अंदर है तो क्या बनेगा, ये पोलैरिटी का बन गया फंडामेंटल का, और यहां पे बताओ ये किसके अंदर है, फंडामेंटल का देखो सिर्फ नेगेटिव है, इसमें उल्टी पोलैरिटी का ये बन गया, और जब सीरीज में कनेक्ट करोगे क्वाइल को तो दोनों टर्मिनल के बीच में क्या आएगी बताओ, फिर वोल्टेज देखो जुड़ेगी, वोल्टेज पैदा होगी, फंडामेंटल की वजह से वोल्टेज पैदा हुई। अब आइए सेकेंड हार्मोनिक पे, ये भी पॉजिटिव और इसका इसका भी ये भी पॉजिटिव, सही है, और जितना ये पॉजिटिव है उतना ही ये पॉजिटिव आएगा, तो क्या होगा बताओ जरा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मतलब सेकंड हार्मोनिक, कि सेकंड हार्मोनिक अगर फ्लक्स डेंसिटी के अंदर सेकंड हार्मोनिक है
वोल्टेज के अंदर नहीं आएगा सेकंड हार्मोनिक, समझा? थर्ड हार्मोनिक आएगा, सोचिए ये पॉजिटिव है थर्ड हार्मोनिक वाला, तो ये पॉजिटिव बनेगा, और यहां पे थर्ड हार्मोनिक क्या है बता जरा, नेगेटिव है तो उल्टा हो जाएगा, समझ रहे हो मेरा पॉइंट? थर्ड हार्मोनिक बनेगा, सेकंड हार्मोनिक की वजह से वोल्टेज नहीं बनेगी, समझ आया? तो आप लिख लो, इफ द फ्लक्स डेंसिटी वेवफॉर्म हैज सेकंड हार्मोनिक इवन देन द वोल्टेज विल नॉट कंटेन, इवन देन द वोल्टेज इंड्यूस्ड वोल्टेज विल नॉट कंटेन द थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज, ठीक है? अगर फ्लक्स डेंसिटी के अंदर अगर सेकंड हार्मोनिक में ले भी लूं, तब भी आपका क्या होगा बताओ जरा, फ्लक्स वेवफॉर्म के अंदर मतलब जो होगी उसके अंदर सॉरी ईएमएफ इंड्यूस होगा उसके अंदर आपका इवन हार्मोनिक्स नहीं आएंगे, समझ आया? उसके अंदर केवल ओड हार्मोनिक्स आएंगे, समझ आया भाई? आई होप आपको ये एपिसोड समझ आया दोस्तों, ठीक है? नेक्स्ट एपिसोड में जब आपसे मुलाकात होगी तो मैं फर्दर इसके कुछ क्वेश्चन जो है हार्मोनिक पे और इंड्यूस्ड ईएमएफ पे वो हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट टाइम फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।